बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। यस, मैं आ गई हूँ देहरादून और ये जो ट्रिप है ये है वीकेंड शॉर्ट ट्रैक वाला ट्रिप फ्रॉम दिल्ली। यस, तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप दिल्ली से वीकेंड पे कहीं दो दिन के लिए ट्रैक पे जाना चाहते हैं, लाइक आपके पास सिर्फ वीकेंड का टाइम है, तो आप कहाँ जा सकते हैं। एंड यस, आई एम गोइंग टू नाग तिब्बा और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे क्या नाग तिब्बा पहुँचने के लिए क्या करना है, कहाँ से जाना है एंड एवरीथिंग अबाउट नाग तिब्बा इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो यस, अभी शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो हम कल रात को निकले थे दिल्ली से और हम आए हैं देहरादून। देहरादून आप दो तरीकों से आ सकते हैं, ऑब्वियसली बाय ट्रेन, जो कि हमारे पीछे खड़ी हुई है। हम ट्रेन से नहीं आए, हम बस से आए थे, बट अभी हम रेलवे स्टेशन में हैं बिकॉज हमारा यहाँ से पिकअप पॉइंट है। हम यहाँ से अभी जाएंगे पंतवारी विलेज। पंतवारी विलेज पहुँचने के लिए यहाँ से हमें लगेंगे 4 घंटे, अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स लगेंगे। सो या अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं टूवर्ड्स पंतवारी विलेज। 6:37 का टाइम है जब हम बोट करेंगे यहाँ से गाड़ी जो हमें लेकर जाएगी पंतवारी विलेज तक, और वहाँ से आगे कैसे है बताते हैं आपको। चलिए लेट्स गो। पहुंच गए हैं पंतवारी और यहाँ से हमारा जो है वो ट्रैक स्टार्ट होगा। आई मीन कहाँ से होगा एग्जैक्टली आई विल शो यू, बट अभी हम यहाँ पर रुके हैं एंड यहाँ पर हम लंच करेंगे। अभी बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं। सो या लंच करने के बाद, सो आज है day 1, 2 दिन का ट्रैक है, 16 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है ये, और आज हम ऑलमोस्ट 6-8 किलोमीटर्स कवर करेंगे। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड आफ्टर सो लॉन्ग मैं ऐसे ट्रैक करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी क्या डिफ़िकल्टीज आती है। दो अभी मुझे रास्ते में वॉमिट हो गया बिकॉज कल रात को कुछ खाया नहीं था, सुबह फिर ब्रेकफास्ट भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो या वो थोड़ा खाली पेट जो होता है वो, बट नाउ आई एम फाइन। अभी लंच करेंगे, अच्छे से खाएंगे एंड फिर ट्रैक करेंगे, लेट्स गो। सो हम यहाँ पे लंच करने वाले हैं। हेलो, सो एक्साइटेड। आज का जो डिस्टेंस रहेगा लाइक 4 किलोमीटर, 4 to 4.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, ठीक है, वो हम करेंगे। कैंप पहुँचेंगे, विल डू सम स्ट्रेचिंग, विल हैव आवर टी, फिर सूप, फिर डिनर, फिर कल का प्लान, ठीक है, वो इवनिंग में हम लोग का वो कर देंगे, ठीक है। ऊपर अच्छा व्यू है और बाकी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे लोग भी गए हैं। एज यू नो नाग तिब्बा इज लाइक नियर बाई दिल्ली और नियर बाई है, सो मैनी मोर पीपल आर कमिंग फॉर। चलो आगे मैं चलता हूँ। कौन से पहाड़ तक पहुँचना है भैया? अभी आगे बताएंगे, आ जाओ। कौन से पहाड़ पे चलना है? आती उधर। हे एवरीबॉडी, सो हमारा ट्रैक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज हम ट्रैक कर रहे हैं टिल नाग तिब्बा बेस कैंप और टोटल जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स एंड या अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, तो लेट्स सी हम कितनी देर में कवर करते हैं। बाय द वे लुक एट द वैली, लेट्स गो, चलो। Thank you.
इट्स बीन 2:45 राइट नाउ एंड ऑल आई कैन से इन्हीं पहाड़ों के साथ साथ हम चल रहे हैं अभी भी. आई थिंक हमने 1.5 किलोमीटर ही कवर किया होगा. आई वॉज सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग थोड़ी देर पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो ऑरेंज वाली कैंडी होती है और ये सब थोड़ा सा खाया और पानी पिया, बिकॉज एज आई मैंशन कि मुझे मतलब थोड़ा वो हो गया था, वॉमिटिंग हो गई थी और सारी चीज़. तो उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है, बट नाउ आई एम फीलिंग फाइन. लाइक धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टेप्स बड़े बड़े बट स्लो स्लो आराम से, क्योंकि सन भी बहुत ज़्यादा हार्श है इसलिए भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट होती है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे पर्सनली. सो या दैट्स व्हाई. बट यस सो फार सो गुड. नेचुरल एसी चल रहा है, नेचुरल एसी, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है दिल्ली में. पसीना है, हवा सिर्फ चल रही है तो ठंडी लग रही है, तब भी ठंडी ऊपर. एंड हियर इज आदित्य, जो कि हमारे वजह से हमारे पीछे पीछे चलना पड़ रहा है इनको, हम इतना स्लो स्लो चल रहे हैं इस वजह से. बहुत स्लो चल रहे हैं क्या हम? थोड़ा ठीक है, ऐसे मोटिवेट करना पड़ता है. He's being polite. वहां पर है हमारे दूसरे ट्रैक लीडर. ट्रैक लीडर जी, यस, हमारा वेट करते हुए. अभी हमें रास्ता नहीं है इधर से, है ना? आय हाय, वाटर ट्रेल इतना सुंदर दिख रहा है कि मैं बता नहीं सकती. ओ गॉड, पोज दे रहे हो. हाँ, मुझे देख के इतना मुस्कुरा दिया. हेलो, सो फाइनली हम पहुंच गए हमारे कैंप साइट, लाइक बेस कैंप. आफ्टर कितने टाइम के बाद पहुंचे हम? इट्स 4. बाय द टाइम वी स्टार्टेड इट वाज अराउंड 1 आई थिंक, या 1 बजे हमने करीब स्टार्ट किया होगा. एंड 3 घंटे में हमने कवर कर लिया, नॉट बैड. मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया तो, बिकॉज स्टार्टिंग में एज लाइक हाँ पता नहीं क्यों मुझसे चला ही नहीं जा रहा था. सो फाइनली हमारा ये है कैंप साइट एंड हम थोड़ा ऐसे बैकवर्ड चल रहे हैं क्योंकि पैरों की मसल्स थोड़ा अच्छा फील कर रही है. दैट्स व्हाई वी आर वॉकिंग लाइक दिस. इतना ज़्यादा ट्रैक किया भी नहीं है बट स्टिल इट फील्स लाइक कि हमने जैसे पता नहीं क्या ही पहाड़ क्या ही फतेह कर लिया, ऐसा चल रहे हम. रिएक्ट कर रहे हैं, उससे तो आधा ही किया, उससे आधा ही किया है. 3-4 किलोमीटर का ही ट्रैक किया है. और बट बैग के साथ, मेरा बैग तो इतना हैवी है भी नहीं बाकियों के बैग्स. हाँ, लुक एट हाउ बैग. सो या अभी कैंप साइट पहुँच गए, थोड़ा फ्रेश होंगे, चिल करेंगे बाय दिस ब्यूटिफुल व्यू. ओ गॉड, दिस इज आवर कैंप साइट. ओ डूड, लुक एट द व्यू.
कमिंग कमिंग। अब जो है थोड़ा फ्रेशन अप हो गए हैं। ऊपर है हमारा कैंप साइट, जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है पावर बैंक, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई थी। एंड लुक एट दिस प्लेस मैन, दूर दूर तक बहुत ही कम से कम लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं है बस। और हमारे जो ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं आई हूँ उसमें सिर्फ 9 लोग हैं, सो देयर इज़ हार्डली एनीवन। एंड अभी सारे लोग अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइक मी टाइम, सब अपने अपने टाइम पे थोड़ा आराम से। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी एंड बस यहीं पर होगा सनसेट, तो आई वाज वेटिंग कि सनसेट हो और सनसेट में विटनेस करूँ यहाँ पर बैठ के। दो अभी 5:30 ही हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पर बर्ड्स की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, लाइक पीछे पूरा फॉरेस्ट है, लेट मी शो यू, लाइक पूरा फॉरेस्ट है पीछे। एंड इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के, ओ माय गॉड। आफ्टर दिस ट्रैक, लाइक स्टार्टिंग में तो मेरी हालत ही टाइट हो गई थी, बट देन आई डिड इट, सो या एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड अभी हमने चाय पकौड़े खाए हैं, थोड़ी देर में हम सूप पियेंगे, हमने स्ट्रेचिंग की आने के बाद, सो या दिस इज़ ऑल। अभी शाम को सूप पियेंगे, देन डिनर करेंगे एंड देन उसके बाद अच्छी सी नींद लेनी है, बिकॉज कल हमें समिट तक जाना है नागतिब्बा। सो या अभी तक तो ये जो ट्रैक था बिल्कुल इजी, मॉडरेट, कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन डू दिस। एंड या सो फार सो गुड। तो ऐसे अगर मैं रखूँगी तो आपको बिल्कुल मैं नहीं दिखने वाली हूँ, बट बिकॉज मैंने ये हेडलाइट लगाई हुई है यहाँ पर, एज यू कैन सी, लाइक मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। और क्या, अभी डिनर करेंगे 7:30 तक, क्योंकि 7 बज रहे हैं, 7:30 तक डिनर विनर करेंगे। बस इसी हालत में ऐसे ही हेडलाइट लगा के, मैं थोड़ी देर पहले भी वॉशरूम गई हुई थी फ्रेशन अप होने के लिए, पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं है इसके सहारे, अभी जीना है हमको अभी रात को। बट जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह 4 बजे निकलना है समिट के लिए, नागतिब्बा समिट के लिए 4 बजे निकलना है सुबह, तो वी हैव टू स्लीप अर्ली। और या बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक ठंड इतनी भी नहीं है, ठीक है, बेयरेबल है। सो या अभी सारे डाइनिंग एरिया में इकट्ठे होकर सब डिनर करेंगे एंड देन या विल कैच यू। घुसे हुए और स्टार्स को देखते हुए हमारे कैंप से, सपनों में भी हमारे स्टार्स हैं। हाँ, स्टार्स ही आएंगे, इतने शूटिंग स्टार्स देख लिए ना आज मैंने, तो 2 ही देखे आए थे, हाँ 2 देखे, 2 या 3 देख लिए। ओह माय गॉड, गुड नाइट। 2-3 विशेस तो पूरी हो गई। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, हाँ।